नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मूर्ति निर्णय पद्धति से आप किसी भी ग्रह का गोचर जब भी हो, बृहस्पति का हो रहा है, शनि का, राहु का, केतु का, सूर्य का, मंगल का, किसी भी ग्रह का गोचर यानी ट्रांजिट जो है, राशि परिवर्तन जो है, आपके लिए अच्छा रहने वाला है कि बुरा रहने वाला है, इसका मैं बहुत ही सही कैलकुलेशन और सटीक विधि बता रहा हूं। देखिए, एक ही राशि के करोड़ों लोग हैं और जो राशिफल आता है, आप लोग उसको काफी बार देखे होंगे YouTube पर, TV वगैरह पर। अभी आपको ये भी जानकारी पता चल जाएगी कि वो राशिफल कितना बोगस होता है, उसमें कोई दम नहीं होता, क्योंकि वह आपकी पर्सनल कुंडली से मैच करा के नहीं बोली जाती है। और यहाँ पर जो होने वाला है वो आपकी अपनी निजी कुंडली से होने वाला है, और मैं उदाहरण दे करके समझाने वाला हूं। आप सभी जान रहे हैं, हम सभी जान रहे हैं, राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। 30 अक्टूबर को राहु और केतु राशि बदलने वाले हैं। तो 30 अक्टूबर को अलग अलग टाइम पे राशि परिवर्तन होगा, आपके आपका जो सिटी होगा उस हिसाब से अंतर आएगा, लेकिन मैं फिर भी समय बता रहा हूं। आप अपने शहर के अनुसार दोपहर को 12:30 से 3 बजे के बीच में अलग अलग स्थानों के अनुसार ये परिवर्तन हो जाएगा दोपहर के। जैसे मैं अयोध्या सिटी में हूं, तो लगभग यह परिवर्तन जो होने वाला है 2:15 बजे के आसपास में राहु जो है मेष राशि से निकल के मीन राशि में चला जाएगा। राहु केतु हमेशा उल्टी गति में जाते हैं, तो यहाँ पर मैं जो उदाहरण लूंगा यह राहु केतु के लिए तो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में इनका परिवर्तन होने वाला, एग्जाम्पल मैं इसका ले रहा हूं। लेकिन इसी विधि से आप किसी भी ग्रह का गोचर जो करंट में हो चुका है, जो भविष्य में होगा, आप सब कुछ देख सकते हैं। करना क्या है बहुत ध्यान से देखिएगा। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू स्टडी ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों का राशि परिवर्तन। सबसे पहले आपको यह देखना है जिस भी ग्रह के लिए आप देख रहे हैं, अभी उदाहरण के लिए मैं राहु का देख रहा हूं, जो कि 30 अक्टूबर को 2023 को राशि परिवर्तन राहु का होगा। क्या वह परिवर्तन मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, सेम प्रोसेस पे आप अपने लिए अप्लाई करिएगा। इसके लिए आपको जरूरत क्या पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी आपकी अपनी लग्न कुंडली, और जिस दिन ग्रह राशि बदल रहा है उस दिन की कुंडली की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे ये कुंडली, लग्न कुंडली रख रहा हूँ, फिर गोचर कुंडली 30 अक्टूबर का भी रख रहा हूँ, फिर दोनों से मैं आपको टैली करके दिखाऊंगा। मोबाइल में जो भी आपके पास एप्लीकेशन हो ज्योतिष का कुंडली बनाने का, उसमें आप 30 अक्टूबर 2023 का समय डालिएगा, 12:30 से लेकर के 2:00-3:00 के बीच में राहु की राशि चेक कर लीजिएगा कि कितने बजे चेंज हो रहा है। इसमें चंद्रमा की बड़ी भूमिका होती है, तो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से 30 अक्टूबर 2023 की कुंडली बनाइए और लगभग 1:30 से 2:00 का समय लेके देखिए, जब राहु मीन राशि में आ गया होगा तो वही समय लेके आप अपने मोबाइल में रखिएगा। अभी मैं कुंडली बनाता हूं, फिर आगे आपको समझाता हूं। अब मैं 30 अक्टूबर 2023 के राहु के राशि परिवर्तन के समय वाली कुंडली बना रहा हूं। ये दोनों कुंडलियां आपके सम्मुख है, आपको अपनी लग्न कुंडली और 30 सितंबर 2023 की यह कुंडली है। इसमें जो मैंने समय लिया है 2:15 का समय अपने सिटी के अनुसार लिया है, उस समय राहु राशि बदल चुका है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कठिन तो नहीं है लेकिन सूत्र जो है घुमा फिरा करके है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें किसी राशि विशेष में जिस ग्रह के गोचर का परिणाम कहना है
उस दिन की कुंडली लिख लेनी है। जैसे हम राहु का देख रहे हैं तो राहु जिस दिन राशि बदल रहा है, जितने बजे बदल रहा है, उतने बजे की गोचर की कुंडली, ट्रांजिट की कुंडली हमने बना ली। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि जिस दिन ग्रह ट्रांजिट कर रहा है, 30 अक्टूबर 2023 को राहु ट्रांजिट जितने बजे कर रहा है, उतने बजे ट्रांजिट में ही, गोचर में ही चंद्रमा किस राशि पर है उसे आपको नोट कर लेना चाहिए। चंद्रमा जिस राशि पर हो, जिस दिन राहु राशि बदल रहा उस दिन चंद्रमा वृषभ राशि पे उस समय रहेगा, अपनी वृषभ राशि पर, उच्च राशि पर रहेगा। अब आपको अगर यह पता चल गया कि गोचर के समय चंद्रमा जहां पर है उस राशि को नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है कि चंद्रमा किस राशि में है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होगा यह अस्थाई होगा। इस कुंडली में चंद्रमा कहां है, मीन राशि में है। ध्यान से देखिएगा, चंद्रमा मीन में है और जिस दिन राहु गोचर कर रहा है, जितने बजे गोचर कर रहा है, उतने बजे चंद्रमा कहां बैठा हुआ है, वृषभ राशि में, दो नंबर की गिनती पर। तो ये जिस राशि में बैठा है, जिस गिनती पर है, वही गिनती आपको अपनी कुंडली में लेना है। यानी कि यहां पर ये दो नंबर पड़ रहा है, यानी जन्म कुंडली में चंद्रमा यहां है और जब राहु केतु ट्रांजिट कर रहा है उस समय चंद्रमा वृषभ राशि में है, तो उस चंद्रमा को अपने उसी कुंडली में लागू कर दीजिए। अब क्या होगा इससे, इससे आपको यह देखना है कि जो आपकी जन्म राशि है उससे ट्रांजिट करते समय, किसी ग्रह के ट्रांजिट करते समय चंद्रमा जिस राशि में रहा है, वह राशि या वह भाव आपके जन्मकालिक चंद्रमा से कितनी दूर है, इस हिसाब से फलादेश होगा। अब यहां पर आपको ये देखना है कि सेम टाइम में राहु केतु गोचर कर रहे हैं, यहां पर जन्मकालिक चंद्रमा था, गोचर का चंद्रमा राहु के ट्रांजिट के समय वृषभ में था, जो यहां आया जन्मकालिक चंद्रमा से 1, 2, 3 तीसरा भाव पड़ रहा है। अब यहां पर क्या करेंगे कि अगर ये गोचर के समय का जो चंद्रमा है, अगर आपके जन्म के चंद्रमा से पहले भाव में पड़े, यानी जहां चंद्रमा है वहीं पड़े, जहां चंद्रमा है वहां से छठे भाव में पड़े, वहां से एकादश भाव में पड़ेगा, तो ऐसा चंद्रमा स्वर्ण मूर्ति में होगा। स्वर्ण मूर्ति में हो करके वह ग्रह आपके गोचर में आपको गोचर के दौरान श्रेष्ठ परिणाम देता है, अत्यधिक श्रेष्ठ और स्वर्णिम फल वह आपको प्रदान करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसकी एक विधि और अभी मैं टैली कराऊंगा, पूरा कार्यक्रम देखिएगा। अभी राशि से है, फिर अभी इसी के बाद में लग्न से भी आप देख सकते हैं। कुछ लोगों का गोचर उनको माला माल कर देता है, कुछ लोगों का गोचर उनको बर्बाद कर देता, कहते हैं जब से यह ग्रह इस राशि में आया पंडित जी हमारा सब कुछ खराब चल रहा है, कुछ लोग कहेंगे मेरा बहुत ही अच्छा हो गया, तो वो कैसे हो जाता है अभी मैं आगे समझा दूंगा आपको। तो जन्मकालिक चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा जब राहु केतु का ट्रांजिट हुआ या किसी भी ग्रह का अगर पहले छठे एकादश भाव में पड़ता है, तो स्वर्ण मूर्ति होने के नाते उस ग्रह का गोचर आपके लिए पूरा अच्छा फल देने वाला है। वहीं अगर गोचर का चंद्रमा जन्मकालिक चंद्रमा से दूसरे, पांचवें, नौवें भाव में पड़ रहा हो, तो रजत मूर्ति होती है, यानी इसको चांदी का मूर्ति बोलते हैं। ये स्वर्ण मूर्ति था, ये रजत मूर्ति है। रजत मूर्ति जो है स्वर्ण मूर्ति से कम परिणाम देता है, लेकिन देता अच्छा ही है। इसमें क्या होगा, ग्रह उत्तम होकर अच्छे अवसर और परिणाम प्रदान करने वाला है। स्वर्ण मूर्ति का है तो आप जान लीजिएगा कि यह ग्रह आपको फुल 100% अपॉर्चुनिटीज देने वाला है। रजत मूर्ति में है तो वही ग्रह आपको अब यहां पर 70% अच्छे परिणाम देने वाला है। ताम्र मूर्ति में अगर कोई ग्रह है तो आप यहां पर मान सकते हैं कि 40% अच्छे परिणाम देगा। लौह मूर्ति में है तो ये आपको मात्र 10% अच्छे परिणाम देगा। तो इस प्रकार से 30% का अंतर आ जाता है इनके बीच में।
जन्मकालिक चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा अगर तीसरे भाव में, सातवें भाव में या दसवें भाव में पड़ेगा तो ताम्र मूर्ति होगा, और ऐसे में सिर्फ उस गोचर का 40% अच्छा प्रभाव है, यानी 60% प्रभाव क्या होने वाला है, बुरा होने वाला है, मेजॉरिटी बुरे की रहेगी। और अगर जन्मकालिक चंद्रमा से गोचर के समय चंद्रमा की स्थिति चौथे, आठवें और बारहवें भाव में पड़ रही है तो 90% उस ग्रह का गोचर आपके लिए अशुभ होने वाला है। अब यहां पर जो अभी मैंने निष्कर्ष निकाला राहु के लिए, इस कुंडली के लिए, तो चंद्रमा जन्मकालिक चंद्रमा से गोचर के समय चंद्रमा कहां पड़ रहा है, चंद्रमा से तीसरे भाव में पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो मुख्य पॉइंट बता रहा हूं कि कोई भी गोचर आपको माला माल यानी बहुत अच्छा कर सकता है कि नहीं, जो जो भाव मैंने स्वर्ण मूर्ति के लिए बता दिए, रजत ताम्र लौह मूर्ति के लिए मैंने भाव आपको बता दिए, ये भाव आपको लेना कहां से है, चंद्रमा से। अगर लगन से आप गिन लें अपनी जन्म कुंडली के लगन से, अगर लग्न से और जन्मकालिक चंद्रमा से दोनों से वह ग्रह स्वर्ण मूर्ति वाले भाव में पड़ जाए तो बहुत ही शुभ प्रभाव मिलने वाला है। जैसा कि इस कुंडली में, ये इस कुंडली के लिए मैंने राहु के ट्रांजिट के लिए जब चंद्रमा को निकाला तो चंद्रमा गोचर का चंद्रमा जन्म के चंद्रमा से तीसरे में है और लगन से एकादश में जा रहा है, तो तीसरे में जाने से क्या होता है, ताम्र मूर्ति होती है, यहां पर लिखा गया है। तीसरे जाने से क्या है, 60% अशुभ प्रभाव आ रहा है, लेकिन लगन से अगर आप देखते हैं तो स्वर्ण मूर्ति हो जा रही है, यानी ये जो 40% शुभ था, 60% अशुभ था, अब ये लगन से अच्छा है लेकिन राशि से बुरा है, तो ये लगभग लगभग ना अच्छा ना बुरा सम प्रभाव देगा। माला माल और बर्बाद करने वाला जहां तक सवाल है, अगर वही गोचर का चंद्र, चंद्र कुंडली से और लग्न कुंडली से दोनों से स्वर्ण मूर्ति में पड़ जाएगा तो वैसा गोचर आपको हमेशा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज, धन सुख साधन माला माल कर देगा। वहीं अगर गोचर जो है चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली से लौह मूर्ति में पड़ जाए, दोनों से लौह मूर्ति में पड़ जाएगा तो आपको बर्बाद करके उस ग्रह का गोचर रख देगा, तंग कर देगा, जीवन आपका तिलमिला उठेगा। वहीं अगर एक से अच्छा आ जाएगा, एक से मान लीजिए स्वर्ण मूर्ति है, दूसरे से लौह मूर्ति है या ताम्र मूर्ति है, एक से इन दोनों में है, एक से इन दोनों में है, तो वह गोचर आपके लिए समफल प्रदान करने वाला हो जाएगा। अब मैं आपको एक दूसरे उदाहरण से समझा रहा हूं, गुरु के गोचर से। गुरु अभी किस राशि पे चल रहे हैं, मेष, और ये वृषभ राशि पर चले जाएंगे अगले वर्ष 1 मई को। ध्यान दीजिएगा, 1 मई 2024 को, आप अपने सिटी के अनुसार थोड़ा समय आगे पीछे होगा, दोपहर को 2:15 PM से 2:45 PM के बीच का समय लेकर के देख लीजिएगा कि आपके सिटी के अनुसार बृहस्पति कब राशि बदल रहा है। जितने बजे बदलेगा उतने बजे की कुंडली लेना जरूरी है, क्योंकि हमें उस गोचर में चंद्रमा को देखना होता है। अब जब हम 1 मई 2024 की कुंडली लेते हैं, 2:15 का लेते हैं, तब क्या बनेगा, हमको क्या चाहिए, गुरु का गोचर चाहिए और चंद्र का गोचर चाहिए, जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। उस दिन गुरु वृषभ राशि पे, जैसे यहाँ मेष पे है, गुरु यहाँ पर आ जाएंगे, गुरु यहाँ पर आ चुके, और उस समय चंद्रमा किस राशि पे रहेंगे, मकर राशि पर चंद्रमा रहेंगे। जिस समय बृहस्पति राशि बदल रहा है, जिस तारीख जितने बजे को, उसी समय चंद्रमा किस राशि पर है, आपको ये लेना है। चंद्रमा कहां है, 10 नंबर पर है। अब यह 10 नंबर मकर राशि आपको अपनी कुंडली में अप्लाई कर देना है कि कहां है, यहां पर है, यहां पर मकर राशि हो गई, यानी उस दिन चंद्रमा यहां पे रहेगा।
अब ये जो राशि आपको मिली है इसे आपको अपने जन्म के कुंडली के चंद्रमा से काउंट करना है किस भाव में आ रहा है। तो यह अगर मैं काउंट करता हूं तो चंद्रमा से कहां आ रहा है, एकादश भाव में आ रहा है। कहां आ रहा, एकादश भाव। और एकादश भाव किस में आता है, स्वर्ण मूर्ति में आता है। यानी इस कुंडली के लिए बृहस्पति का जो गोचर होगा 1 मई 2024 को, बृहस्पति जो वृषभ राशि में जाएगा उस हिसाब से मीन राशि जो मेरी बन रही है, मीन राशि वालों के लिए यह स्वर्ण मूर्ति में जा रहा है। अब आप बताइए क्या जो राशि फल आपको दिया जाता उसमें ये चीजें देखी जाती हैं कि आपके जन्मकालिक चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा कहाँ जा रहा है, गोचर के समय ग्रह के राशि परिवर्तन के समय नहीं जा देखा जाता ना, इसीलिए दिक्कत हो जाती है। अब यही गुरु अगर लगन से देखेंगे तो सातवें भाव में लगन से पड़ रहा ताम्र मूर्ति है, यानी ये गोचर मुझे बहुत, इस व्यक्ति को, इस कुंडली वाले व्यक्ति को मुझे बहुत माला माल नहीं करेगा और बहुत बर्बाद भी नहीं करेगा, क्योंकि राशि से अच्छा है लेकिन लगन से ठीक नहीं है। राशि मतलब क्या होता है कि आपके जीवन की वर्तमान चीजें ठीक चलेंगी, और जब लगन से कोई चीजें खराब होती हैं तो उसका असर आपके शरीर पे पड़ता है। लग्न मतलब क्या होता है, शरीर, और चंद्र मतलब क्या होता है, मन। यानी यह बृहस्पति का गोचर मुझे मानसिक संतुष्टि और प्रसन्नता देने वाला है, लेकिन शरीर से प्रसन्नता नहीं होने वाली, यानी शारीरिक रूप से रोग व्याधि दे सकता है। तो ये ग्रहों के गोचर का एक अत्यंत गोपनीय सूत्र मैंने आपको बता दिया है। अब एक बहुत विशेष बात ध्यान दे लीजिएगा, चाहे एस्ट्रोलॉजी आप सीख रहे हैं, स्टूडेंट हैं हमारे, या स्टूडेंट नहीं भी हैं, रुचि है आपकी, तो आपको करना क्या है, किसी भी व्यक्ति का जो आप साल भर का वर्षफल निकालते हैं, वर्षफल गोचर के अनुसार निकालते हैं कि यह इस व्यक्ति का पूरा साल कैसा रहेगा, तो ऐसे में क्या करिएगा, उस व्यक्ति के लिए जो विधि मैंने अभी आपको बताई है उसी विधि से राहु को देख लीजिएगा, केतु को देखिए, शनि को देखिएगा और गुरु को, ये जो चार दीर्घकालिक ग्रह होते हैं इनके गोचर को देख लीजिएगा। इसमें से अगर दो गोचर आपको मिल जाएं स्वर्ण मूर्ति में या रजत मूर्ति में तो उस गोचर का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, यानी ये थोड़े थोड़े समय का पीरियड होता है। अब जैसे इधर राहु बदलेगा फिर उधर बृहस्पति बदलेगा लेकिन शनि सेम रहेगा। अब मान लीजिए किसी का शनि अभी स्वर्ण मूर्ति में चल रहा हो, पहले से स्वर्ण मूर्ति में चल रहा है, लेकिन राहु और गुरु का गोचर उसके लिए ताम्र मूर्ति है, लौह मूर्ति है, तो अभी उस व्यक्ति को इस शनि के स्वर्ण गोचर का भी अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है। अब ये दोनों बदलेंगे, इन दोनों में से कोई एक अच्छा अगर स्वर्ण मूर्ति रजत मूर्ति में आ गया और शनि पहले से अच्छा होगा तो बहुत ही अच्छा फिर गोचर हो जाएगा। मान लीजिए शनि खराब है लेकिन राहु और गुरु अच्छे चल रहे हैं, अभी गोचर से अच्छी मूर्ति में चल रहे हैं, राशि चेंज कर दिए तो पता चला कि राहु भी गलत मूर्ति में चला गया, शनि पहले से ही ताम्र में था, राहु लौह में चला गया, अब अकेले बृहस्पति पूरा अच्छा नहीं दे पाएगा, अब खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आइडिया निकाल सकते हैं।